खासकर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के, ग्रेजुएशन थर्ड ईयर के हिसाब से मैं छोटा सा यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। नहीं भाई ए, ये जो प्ले है ये प्ले लिखा गया है यूजीन और नील के द्वारा। इतना आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। यूजीन ओ'नील वॉज अ वेरी फेमस एंड ए मेजर अमेरिकन ड्रामेटिस्ट, और ये उन सेलेक्टेड नावलिस्ट ड्रामेटिस्ट में से एक है जिनको कई बार पुलित्जर अवार्ड मिला था। नाउ दिस अवार्ड इज वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, और स्पेशली ड्रामा के लिए अवार्ड दिया जाता है। टोनी अवार्ड्स, वो भी ड्रामा के फील्ड का एक बहुत बड़ा अवार्ड है, वो अवार्ड भी यूजीन ओ'नील को मिला था। देखिए, यूजीन ओ'नील ने जब हेरी एक लिखा, इसको उन्होंने 1921 के अंदर पब्लिश हो गया था बुक फॉर्म के अंदर, और 1922 में इसका प्रीमियर हुआ था, स्टेज के ऊपर इसको प्रेजेंट किया गया था। यूजीन ओ'नील किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, या जो हेरी ए प्ले है अपने आप में उसका जो जॉनर है वो है एक्सप्रेशनिज्म। नाउ व्हाट इज एक्सप्रेशनिज्म? एक एक्सप्रेशनिस्टिक जो प्ले होता है वो बेसिकली इट इज अ प्ले अबाउट अ काइंड ऑफ सब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ वंस इनर सेल्फ। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा सिंपल वे में बताऊं। एक जो रियलिस्टिक ड्रामा होता है वो रियलिस्टिक ड्रामा प्रेजेंट करता है आउटर रियलिटी को, जो चीज़ें हम सोसाइटी के अंदर, जो चीज़ें हम हाउस के अंदर, फैमिली के अंदर डायरेक्ट विच आर विजिबल, उनको जब एक ड्रामा प्रेजेंट करता है तो उसको हम एक रियलिस्टिक ड्रामा बोलते हैं, ये रियलिस्टिक प्ले बोलते हैं। लेकिन 20th सेंचुरी की बिगनिंग में खासकर जर्मनी के अंदर एक टाइप का आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट हुआ पेंटिंग के फील्ड के अंदर, और ये जो पेंटर्स थे इसके अंदर बहुत बड़े बड़े पेंटर्स थे जिन्होंने ट्राई करा कि जो चीज, अब जैसे एक ट्री है तो उसकी रियलिस्टिक जो डेपिक्शन होगी वो एक पेंटर कैसे करेगा, इस टाइप से वो उसका ट्रंक बनाएगा, इस टाइप से वो उस ट्री को ड्रॉ करेगा, इसकी लीव्स, या ये एक टिपिकल रियलिस्टिक या जिसको हम बोलते हैं माइमेसिस है, इसके अंदर जैसी जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उसको एज इट इज प्रेजेंट किया जाता था पेंटिंग में। 20th सेंचुरी के बिगनिंग में कुछ जो पेंटर्स थे उन्होंने कोशिश करी कि इस ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बजाय सब्जेक्टिव रियलिटी, करेक्टर के मन में उसकी साइकी जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर क्या थॉट्स हैं उनको प्रेजेंट किया जाए। एंड नाउ बिकॉज देखिए, ये तो एक कॉन्क्रीट चीज है, इसको तो आप विद शेप, लाइन, कलर, टेक्सचर के द्वारा प्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन जो हमारे मन में चलने वाली चीजें हैं वो तो एब्स्ट्रैक्ट है, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए हेल्प ली गई सिंबल्स की। तो एक जो एक्सप्रेशनिस्टिक ड्रामा होता है वो बेसिकली सोशल प्रोटेस्ट का ड्रामा तो है ही, जैसा सोशल प्रोटेस्ट का होने का मतलब है कि इसके अंदर जो बेसिकली सोसाइटी के बिल्कुल मार्जिन पर लोग हैं, एक्सप्लॉइटेड लोग हैं, उनको फोरफ्रंट पे लाया जाता है, उनको सेंटर में रखा जाता है, और जो तरह तरह की मलीस है, जो तरह तरह की प्रॉब्लम्स है सोसाइटी के अंदर, उनको प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन वो प्रेजेंटेशन डायरेक्ट नहीं होता, उस प्रेजेंटेशन को किसी एक मेजर करेक्टर के मोनोलॉग्स के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। इस प्ले, एक एक्सप्रेशनिस्टिक प्ले का एक और मेन फीचर ये भी है कि जो एक्सप्रेशनिस्टिक प्ले की लैंग्वेज होती है वो सिंपल, जो हम डे टू डे लैंग्वेज में बात करते हैं उससे थोड़ी सी अलग होती है। इट इज मोर लाइक अ मोनोलॉग जिसके अंदर एक करेक्टर लंबी लंबी स्पीचेस देता है, और वो स्पीचेस एक्चुअली में आउटकम ऑफ हिज रिप्रेस्ड एंगर, रिप्रेस्ड जेलसी, फियर्स, वो सारी चीजें जो है उसकी वो निकल निकल कर बाहर आती है। तो ये तो थोड़ा सा एक्सप्रेशनिज्म का बैकग्राउंड हुआ। थोड़ा सा हम इस प्ले के बारे में भी बात करें, जैसा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं, एक तो टाइटल के बारे में, हेरी एप किस चीज को स्टैंड करता है, दूसरा एक्सप्रेशनिज्म के बारे में। आप सभी ने पढ़ लिया होगा द प्रोटैगोनिस्ट, द सेंट्रल करेक्टर
और वी कैन से इन ट्रेडिशनल टर्म द हीरो ऑफ दिस प्ले इज यैंग. यैंग इज नथिंग लाइक अ प्रिंस और जो टिपिकल हीरोइक क्वालिटीज होती हैं ऐसा यैंग में कुछ भी नहीं है. ऑन द रिवर्स साइड वो एक बहुत ही ऑर्डिनरी मैन है. ही इज बेसिकली अ स्टोकर. स्टोकर क्या होता है? देखिए जो भी कोल से चलने वाले इंजन्स होते हैं चाहे वो रेलवे का हो चाहे वो शिप हो उनके अंदर कोल को शॉवल करने वाला उठा उठाकर और भट्टी में डालने वाला उसको हम स्टोकर बोलते हैं. सो यैंग इज जस्ट अ स्टोकर. बहुत ऑर्डिनरी मैन है. ही इज इलिटरेट ऑब्वियसली. ही बिलोंग्स टू द पुअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी एंड ही इज बल्की. साइज में जो है ही इज अ वेरी बल्की मैन. ना केवल यैंग बल्कि उसका जो पूरा ग्रुप है वर्कर्स का वो सारे के सारे जो है दे लुक्स क्वाइट प्रिमिटिव. ये एक मेन इस नॉवल की इस प्ले की थीम है प्रिमिटिव वर्सेस वी कैन से सिविलाइज्ड. उनके बीच का जो कंट्रास्ट है वो हम इसके अंदर देख सकते हैं. तो एक प्रिमिटिव लोग हैं. प्रिमिटिव होने के दो तीन जो इनके अंदर सिम्टम्स है दे ऑल हैव हेयरी चेस्ट. दे हैव वेरी स्ट्रांग मसल्स बिकॉज दे आर डूइंग दिस फिजिकल लेबर. इसके अलावा दे ऑल आर क्वाइट इलिटरेट एंड क्वाइट अनइनिशिएटेड इनटू द ट्रेडिशन एंड कन्वेंशंस ऑफ द सोसाइटी. इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी ये लोग नहीं जानते हैं. सो ही इज लाइक द लीडर ऑफ दिस ग्रुप बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल प्रोवेस. जो उन सभी ग्रुप में ये न केवल साइज के अंदर बल्कि उसकी जो प्रोवेस है वो भी सबसे ज्यादा है. इसके अलावा इस प्ले में अपोजिट पोल पर हमारे पास मिल्ड्रेड है. मिल्ड्रेड जो है शी बिलोंग्स टू द हाई सोसाइटी क्लास सिविलाइज्ड क्लास और द क्लास विच रूल्स दिस वर्ल्ड. उनके फादर जो है ही इज द चेयरमैन और ही इज द ओनर ऑफ द बिगेस्ट स्टील कंपनी नजारत जो इस प्ले के अंदर बताया गया. एंड शी इज आल्सो क्वाइट नेव. बिल्कुल उसको भी आइडिया नहीं है व्हाट द रियलिटी इज. शी बेसिकली शी इज इन अ काइंड ऑफ रोमांटिक वर्ल्ड जिसके अंदर वो इमेजिन करती है इट इज एक्साइटिंग टू विजिट दीज वर्किंग मैन विदाउट नोइंग द हार्श रियलिटीज ऑफ देयर वर्ल्ड. तो एक तरह से दोनों तरफ से इनएक्सपीरियंस है. यैंग मिल्ड्रेड के वर्ल्ड से बिल्कुल वाकिफ नहीं है. मिल्ड्रेड यैंग के वर्ल्ड से बिल्कुल वाकिफ नहीं है. और इन दोनों के बीच का जो इनका जो एनकाउंटर है इसी वजह से बहुत इंटरेस्टिंग होता है. मिल्ड्रेड के साथ उनकी आंट है. ऑब्वियसली शी इज क्वाइट एक्सपीरियंस एंड शी नोज वेरी वेल व्हाट इज गुड और बैड फॉर मिल्ड्रेड. यैंग के साथ में पैडी है हु इज अगेन यैंग हम ये तो नहीं कह सकते यंग है लेकिन पैडी जो है एज में उससे एज और एक्सपीरियंस दोनों में ही मैच्योर है. एंड ही वेरी वेल अंडरस्टैंड्स द डेंजर्स ऑफ दीज पर्सन्स दीज स्टोकर्स व्हेन दे कैन व्हेन दे गो टू द नॉर्मल वर्ल्ड. जो सेटिंग है इस प्ले का कुछ पार्ट तो प्ले का इस शिप के फोर कैसल के अंदर है. फोर कैसल वो पार्ट होता है जहां पर ये नीचे एक तो डेक के नीचे होता है बहुत ज्यादा गर्मी है इसके अंदर. दूसरा लगातार कोल को पुश करना शॉवल करना होता है स्टोव के अंदर और लगातार यहाँ पर ये लोग बेयर चेस्ट रहते हैं. वहां पर ये सारे जो हम थोड़ा सा फर्स्ट सीन के अगर हम बात करें ओपनिंग जो सीन है प्ले का उसके अंदर ऑल दीज वर्कर्स दे आर गैलिंग ड्रिंकिंग एंड दे आर ट्राइंग टू हैव सम फन. यैंग जो है इन सबसे बिल्कुल अलग बैठा हुआ है एंड ही इज ऑलमोस्ट इन द पोज ऑफ अ थिंकिंग मैन एज इफ ही इज म्यूजिंग ऑन सम सीरियस थिंग. बहुत कोई गंभीर बात वो सोच रहा हो. एंड व्हेन हिज कंपेनियंस लाइक पैडी ही बिगिंस टू सिंग एन आयरिश सॉन्ग एंड यैंग सडनली ही ट्राइज टू शट देम अप और वो तेजी से चिल्ला के कहता है प्लीज लाइक प्लीज. तो खैर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वर्ड हो गया. बिना किसी प्लीज के वो ये बोलता है आप लोग बिल्कुल चुप रहे एंड लेट मी थिंक मुझे अच्छे से इस पे सोचने दें. एंड देन लॉन्ग हु इज अनदर करेक्टर वो लॉन्ग जो है वो खड़ा होता है और एंड ही गिव्स अ स्पीच अबाउट लेबर्स
एंड अब्यूजेस ऑफ कैपिटलिज्म, कि किस तरह से जो कैपिटलिस्ट लोग हैं दे एक्सप्लॉइट दीज पुअर लेबरर्स एंड वर्कर्स. लेकिन अभी फर्स्ट पार्ट जो प्ले का है उसके अंदर यंग डज नॉट फॉलो दिस थिंकिंग. ही इज एक्चुअली सो फुल ऑफ आइडेंटिटी और वो अपने आप को मानकर चलता है ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम. विदाउट हिम इवन द शिप कैन नॉट मूव. ही सेज, एक बहुत फेमस लाइन है पहले ही एक्ट में, पीपल लाइक हिम आर व्हाट मेक इंजन रन. I am the end. I am the star. Whenever you write an answer to this question, please try to use this quotation. This shows the confidence of Yank in his ability, in his prowess, and he thinks बहुत अच्छे से वो feel करता है that his muscles are moving the ship. He is responsible. He is also a great contributor in this whole system. और ये सभी इसी तरह से हंसी मजाक कर रहे होते हैं. वन मोर थिंग, फर्स्ट एक्ट के अंदर ही एक बात आती है, व्हेन पैडी वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग अबाउट हिज मेमोरीज ऑफ होम एंड हाउ ही वांट्स टू गो बैक टू होम, यंग फिर उसको फोर्सफुली शक कर देता है एंड टेल्स हिम दिस ship is their home. ये ship भी जो है उनका घर है. And thus पहला जो पूरा scene है वो शो करता है Yank का comfort in this particular area. ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा किस तरह से ये play के अंदर act करती है बात. When he is in this forecastle, he feels at home. He is full of confidence. इनफैक्ट अगर हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बात करें, he is full of swag. उसके अंदर ये swag है और इतने में ही बैल बजती है which tells the worker that their break is over and they have to go to work. चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस प्ले के आगे वाले सीन्स के बारे में. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.